नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर की एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग में फैक्ट्री में रखा सामान और करोड़ों रुपए की मशीनें जलकर खाक हो गई। इंदौर के पालदा स्थित 3 इमली पर एक प्लास्टिक के बैग बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में प्लास्टिक के बैग बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से जल्दी आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी और पानी के 6 टैंकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से फायर कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। समय रहते सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान और मशीनें जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। सर, ये एप्पल एग्रो फैक्ट्री करके नाम है। इसमें प्लास्टिक के बैग वगैरह, प्लास्टिक के मशीनरी वगैरह हैं, है ना। अंदर आग लगी हुई है, हम लोग काम कर रहे हैं, अभी काम चल ही रहा है। 3 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, है ना। टाइम लगी है ये प्लास्टिक फैक्ट्री में ही लगी, इसी फैक्ट्री में, है ना। नहीं, कारण वगैरह अभी तो बता नहीं सकते हम, है ना। हाँ, करोड़ों में भी जा सकती है, है ना। हाँ, 3 तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 3-4 टैंकर है। आपका नाम बता दें। हाँ, RC पंडित, फायर। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।